Dear students, good morning. I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach about division of decimals and what problems related to them. आज आपको हम division of decimals से कुछ सवाल बताएंगे. इसके अलावा जो उसमें word problems हैं उन भी आपको बताया जाएगा. ध्यानपूर्वक समझना है, जानना है. जैसे आपको ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3D का 7 का 30 नंबर क्वेश्चन, डिवाइड 28 बाय 0.5. तो इसको आपको कैसे डिवाइड करना है. सबसे पहले आप 28 जो बाय के पहले है उसको ऊपर लिख देंगे, फिर बाय के बाद जो है उसको नीचे लिख देंगे 0.5 से, और डिसिमल को यहां से हटाएंगे. डिसिमल हटाएंगे तो उसका असर ये पड़ेगा कि डिसिमल के बाद राइट साइड में 2 डिजिट्स है, तो यहाँ 20 ऊपर हम लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर के साथ हम लोग 20 लिख देंगे. और लिखने के बाद ये जनरल मैथ्स हो गया, ऊपर हो गया 2800 और नीचे 056, दैट इज ओनली 56, ये सिर्फ 56 हुआ. और अब आराम से हम 56 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2800 को, और 56 फाइव जाओगे 280 और ये कट जाएगा और एक जीरो यहाँ डाल. तो इस तरह से हम लोग का आंसर जो है ये 50 हो जाएगा. तो इस टाइप से बनाना है. जब अगर आपको डिसिमल अगर इस तरह का डिवाइड हो कि पहले जो है डिसिमल्स नहीं हो लेकिन बाई के बाद वाले नंबर में डिसिमल हो, तो उस समय यही करेंगे. पहले बाई के पहले वाला जो भी है उसको ऊपर लिख लेंगे, बाई के बाद वाले को नीचे लिख लेंगे, और डिसिमल के दाहिने तरफ राइट तरफ, लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, राइट तरफ देखना है कि डिसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. जैसे 1 2 है तो आपको पॉइंट हटा देना है और ऊपर 2 0 लिख देना है. अगर पॉइंट के बाद राइट साइड में 3 डिजिट्स हो तो पॉइंट हटा के 3 0 डाल देना है, और इस तरह से पॉइंट वहां से शिफ्ट हो जाएगा. तो अब पॉइंट के बिना जो बचेगा उसको लिख कर और तब हम आगे का काम शुरू करेंगे और इस प्रकार से इसको बनाएंगे. अगला जो सवाल है वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज रुपीज 9255.60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर. यानी 24 चेयर्स का आपको कॉस्ट दिया है, दाम दिया है, तो आपको वन चेयर का ही चेयर मतलब वन चेयर, तो आपको वन चेयर का दाम निकालना है. तो सोचने वाली बात है कि भाई 24 चेयर्स का जब ज्यादा कॉस्ट है तो वन चेयर का निश्चित रूप से सर्टेनली जो है कम होगा, और कम कोई भी जो नंबर आता है डिफिनेटली डिवाइड करने से ही आता है. डिवाइड करने का मतलब ही होता है बांटना, और जब हम बांटेंगे किसी चीज को तो निश्चित रूप से वह कम हो जाएगा. तो इसलिए हम इसको डिवाइड करके इस सवाल को बनाएंगे. कैसे बनाएंगे देखिए, एक नंबर सवाल, 24 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 24 से कितना को डिवाइड करेंगे, 9255.60 इसको हमको डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, टू डिजिट्स का है यहाँ, और 2 डिजिट्स में डिवाइड होने जा ही रहा है, तो पहले हम 24 3 72 आएगा उसको लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ, अब जो है ये 8 से जाएगा, तो 8 से जाएगा तो कितना आएगा 192. और इसमें एक और बात जो दोस्त मेरे दिमाग में आ रही है बताते हैं, ज्यादातर तो बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे 8 से हो रहा है कोई 6 से ही दे देते हैं, 5 से ही दे देते हैं, तो देखिए कभी भी यहाँ जो रिमाइंडर बचता है वह इससे कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ से यहाँ ज्यादा रिमाइंडर अगर आपको आ गया तो समझिए कि आपका गलत हो रहा है, क्योंकि डिवाइड करने का ये नियम नहीं है कि किसी से भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं. हम देखते हैं कि किस नंबर से किस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा आ रहा है उसके जस्ट पहले वाले से करते हैं. अब जैसे 24 में आप 9 से कीजिएगा तो 216 आएगा, तो
इसलिए 216 205 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसके जस्ट एक पहले वाला 8 से करेंगे। और ज्यादातर लोग 6 से कोई 5 से बचे देते हैं तो वह यहाँ पर रिमाइंडर ज्यादा आ जाएगा, 24 से ज्यादा रिमाइंडर आ जाएगा तो वहां समझ आ जाते हैं कि हमारी गलती हो रही है। इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, 24 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो रिमाइंडर आना चाहिए वह हमेशा इससे कम होना चाहिए। अगर इससे कम आपको रिमाइंडर आ रहा है तो समझिए कि आपका डिवीजन सही चल रहा है। अगर अदरवाइज अगर यहाँ से यहाँ ज्यादा आ जाता है, चाहे इससे बराबर आ जाता है, तो आप समझिए कि हमारी कहीं ना कहीं गलती हो रही है और वहीं पर रोक कर उसको सुधार करेंगे, नहीं तो बिना मेहनत बेकार होगा, फिर हमको काटना होगा परेशानी। तो ये आ गया 39 आएगा और फिर इसमें ये 5 आएगा, फिर इसमें हम जो है अब 24 में आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा इससे ज्यादा आ जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला 5 से हम लोग देंगे और 5 से देंगे तो 120 आएगा और ये माइनस होकर हो जाएगा इतना। फिर जो है आप देखिए अब हम जो है अब ये पॉइंट के बाद वाला हम लिखने जा रहे हैं। देखिए आप अब जो लिखने जा रहे हैं हम पॉइंट के बाद वाला लिखने जा रहे हैं, इसलिए पॉइंट देकर ही तब हम यहाँ लिखेंगे, पॉइंट देकर यहाँ और तब इस 6 को लिखेंगे। और जो है फिर अब 6 से जाएगा 144 आएगा और इस तरह से फिर 0 है ही, इसको यहाँ लिख देंगे और 5 से 120 आकर और ये कट जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है ये 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। और चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए इसका जवाब भी हम वर्ड्स में देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, तो हम यहाँ लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बराबर द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इक्वल टू रुपीज 385.65। यानी एक चेयर का एक कुर्सी का एक कॉस्ट हो गया दाम। तो इस तरह से आप जो है बनाएंगे और आप जो है ये सवाल बनाने के पहले मान लीजिए तो डिवीजन का चल रहा है तो हर सवाल में लगभग डिवीजन ही है, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं रहेगा, आपको एक्सरसाइज मालूम नहीं रहेगा किस एक्सरसाइज क्या है, तो इसलिए आपको समझना है क्यों डिवाइड हो रहा है, ये सब इन सब कारणों को समझ कर तब बनना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 9 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में है क्वेश्चन नंबर 9, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट। एक शर्ट को बनाने के लिए, एक शर्ट को तैयार करने के लिए 1.8 मीटर कपड़े की जरूरत है। तो वही कह रहा हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। तो अगर 45 मीटर लंबा कपड़ा है तो उससे जो है कितना मीटर कितना जो है शर्ट्स बनेगा, समझ गए। एक बार और सुन लीजिए, एक शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट को तैयार करने के लिए 1.8 मीटर कपड़े की जरूरत है। तो वही कह रहा है कि अगर 45 मीटर कपड़ा रखा हुआ है तो उससे कितने शर्ट बन सकते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मिला तो सोचेंगे आप जरा कि भाई आपको अगर पॉइंट में डिसिमल में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा नंबर लेकर सोचेंगे, सोचेंगे कि अगर हमको रहता कि 2 मीटर कपड़ा में 2 मीटर कपड़ा में एक शर्ट बन रहा है तो 20 मीटर अगर कपड़ा है तो उसमें कितने शर्ट बनेंगे, तो आप निश्चित रूप से बता देंगे कि 10 बनेंगे। तो वह 10 कैसे आएगा, जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से आपको समझ जाना है कि इसमें हम डिवाइड करेंगे तब आएगा। और इन बातों को ध्यान रखना है कि ऐसा भी होता है कि अब ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि पहला जो नंबर है उसी में हमारा हाल में दूसरा से डिवाइड कर देना, ऐसी बात नहीं है। उस बात को समझेंगे कि भाई जो कपड़ा है उससे ना शर्ट बनने जा रहा है, तो कपड़ा का जो जितनी कपड़ा है जितना लेंथ कपड़ा का है उसमें हम जितना शर्ट एक शर्ट के लिए जितना मीटर कपड़ा चाहिए उससे डिवाइड करेंगे और तब बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है 1.8 मीटर और एक है 45 मीटर। अब 1.8 मीटर से हमको 45 मीटर में डिवाइड करना है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगा, 1.8 से 45 मीटर में या प्रॉब्लम नहीं महसूस करेंगे तो आप
बनाना शुरू कर देंगे और ध्यान नहीं रखेंगे कि गलत होगा कि सही होगा। तो आप सबसे पहले कैसे देखिए, आपको ये पहले दिमाग में रखना है किसको किससे डिवाइड करना है। तो आपको समझाया है कि भाई शर्ट का लेंथ दिया हुआ है, टोटल जो शर्ट का लेंथ दिया हुआ है, शर्ट नहीं क्लॉथ का 45 मीटर, तो उसमें हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जितना लेंथ चाहिए कपड़ा का एक शर्ट के लिए, तो इसलिए हमको टोटल जो लेंथ है क्लॉथ का उसको डिवाइड करना है। तो उसको डिवाइड करना है भाई, वह ऊपर रहेगा और यहां पर हम लिख देंगे 45। अब इसको किससे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करना है हमको 1.8 से। और अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए हैं इस स्थिति में हम कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल, देखिए पॉइंट के राइट साइड में, देखिए पॉइंट के राइट साइड में 1 लिखा है, तो आप यहां से पॉइंट हटा दीजिए और उसका असर क्या पड़ेगा भाई, तो पॉइंट के राइट साइड में 1 लिखा है तो ऊपर 10 मिला है बस। अब इसके बाद आपको ये सिंपल हो गया, डिस्टेंस का नाम ही नहीं इसमें, ये 450/80 है। और अब आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 18 से डिवाइड कीजिए 450 में, तो 18 2 36, यहाँ 9 बचेगा 0 और 85 का 90 कट जाएगा। और इस तरह से आपको पता चल गया कि भाई कितने शर्ट्स बनेंगे, 25। और इसको लिख देंगे, पूछा है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड, लिख देंगे 25 शर्ट्स कैन बी मेड, 25 शर्ट्स कैन बी मेड, यानी अगर 45 मीटर कपड़ा था और ये वन शर्ट में 1.8 मीटर कपड़ा की जरूरत थी, तो उससे तैयार हो जाएगा, बन जाएगा 25 शर्ट्स। और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, देखिए आपको जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है अभी यहां उपलब्ध नहीं है, तो आपको मोबाइल नंबर इसलिए दिया जा रहा है कि आप मोबाइल पर भी उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम लोग बता रहे हैं अब वन टाइम का जो क्वेश्चन है उसमें से एक बता रहे हैं, दो बता रहे हैं, तो अगर उसके अलावे भी अगर आपको कोई मिलता है तो आप हमको मोबाइल नंबर पर बता देंगे, तो उसको आपको उसको भी हम नेक्स्ट डे आपको क्लास में बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में है, ये कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखिए कोई कार जो है 22.8 किलोमीटर की दूरी 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में तय करती है, तो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। फिर वही बात हो गया कि इसमें भाई ज्यादा पेट्रोल होगा तो उससे आदमी ज्यादा दूर जाएगा, लेकिन अगर 1 ही लीटर पेट्रोल में जाना है तो आदमी कम दूरी जाएगा, तो कम हमेशा, फिर वही बात, कम को ऐसे आ सकता है डिवाइड करने से। और इस तरह हम समझ जाएंगे कि भाई इस सवाल में भी हमको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए। और ये भी ध्यान रखना है कि किसको पहले लिखना है, देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है, कितना दूरी निकालना है, तो भाई डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमको निकालना है तो 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में उतना किलोमीटर जा रहा है, तो 1 लीटर में कम जाएगा, तो कम आएगा डिवाइड करने से। और दूसरी बात, हम जो डिस्टेंस है टोटल उसमें ही डिवाइड करेंगे लीटर्स ऑफ पेट्रोल से। और उसको डिवाइड करने के पहले कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप 22.8 ऊपर लिखिए और उसके बाद ये 2.4 आप नीचे लिखिए। अब देखिए, अब पॉइंट के राइट साइड में 1 लीटर है ऊपर, और नीचे भी पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 लीटर, तो आप यहां से पॉइंट हटा, क्योंकि आपको पहले भी बताया था, फिर बताया था, पॉइंट के दाहिने तरफ राइट तरफ अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाता है तो वहां से पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करने के बाद ये क्या होगा, 228/24, यानी अभी सिंपल हो गया। अभी जो है पॉइंट का जो बच्चों को जो मतलब डर होता है वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल समाप्त हो गया,
तो इसलिए जो है आराम से आप डिवाइड करिएगा 24 से 228 में, तो ये आपको 9 से जाएगा 216। अब देखिए बहुत स्टूडेंट्स हम लोग से पूछते हैं कि ये अचानक आपके दिमाग में क्यों आ जाता है कि 9 से ही होगा, तो देखिए हम लोग भी चूंकि पहले बहुत बनाए हैं, प्रैक्टिस की है, इसलिए जो है ध्यान आ जाता है। और दूसरी बात की कुछ रूल्स भी है, मान लीजिए कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 24, तो एक अंदाज लगता है कि भाई अगर 9 से, एक अंदाज पक्का नहीं, एक अंदाज लगता है कि 9 से अगर हम इसमें करेंगे तो 9 2 18, 9 से करने के बाद भी इस 22 से वो कम रख रहा है, तो इसका मतलब एक उम्मीद लगता है कि 9 से भी इससे कम आ सकता है। तो आप रफ में चेक कर सकते हैं, अगर कम आ रहा है तो आप 9 से करेंगे। अब हम लोग को जो है उतना आइडिया हो गया है कि हाँ आएगा नहीं आएगा, वो तो कम ही आएगा और इतना ही आएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। देखिए अब 8 में 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 और 2 कट जाएगा। तो अब जो है अब तो मेरे पास नहीं है ऊपर से नीचे लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो सबका उपाय है अब आप पॉइंट दे दीजिए। पॉइंट जैसे ही दीजिएगा आपको मालूम नहीं है यहाँ 0 हो जाएगा और 24 5 का 120 कट जाएगा, हो गया। अब इसको तरीका से हम लोग लिख देंगे, वर्ड प्रॉब्लम है तो इतना कम से कम लिख देंगे। पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इट विल कवर 9.5 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में ये इतना दूरी तय करेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। उसके बाद आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है 18 होल्ड्स 16.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, 18 में 16.5 लीटर तेल अटता है कह सकते हैं, उसमें रखा जा सकता है कह सकते हैं। तो हाउ मेनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो अगर 478.5 लीटर ऑफ पेट्रोल रखना है तो उसके लिए कितने टिन की जरूरत होगी, कितने कनस्तर की जरूरत होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि फिर हो सकता है आपको पॉइंट वगैरह है तो थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही हो, तो आप इसको दूसरे नंबर को लेकर देखिए कि अगर हमको 4 लीटर ऑफ ऑयल हो एक टिन में अगर मान लीजिए कि 14 लीटर जो है अगर तेल अट रहा है एक टिन में, तो आपको अगर 182 लीटर पेट्रोल या डीजल रखना है तो कितने जरूरत होगी, तो आप निश्चित रूप से उसको डिवाइड करके बनाएंगे। उसी तरह से इसको भी समझना है, इसको डिवाइड करके आप बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा। तो इसमें आपको सीधे फिर लिखना है नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड बराबर रिक्वायर्ड इक्वल टू, पहले ऊपर लिखेंगे आप कितना, पहले ऊपर आपको लिखना है 478.5, नीचे लिखना है फिर 16.5 पॉइंट के दाहिने तरफ वन लीक है, नीचे भी ऊपर भी पॉइंट खत्म। अब आराम से इसमें डिवाइड करेंगे 4785 को, देखिए पहले 2 से जाएगा 330 आएगा, फिर जो है आपको इतना आएगा और यहाँ पे 5 मिलेगा। अब देखिए अभी कितना से जाएगा, आप देखिए आपको जो है ये जो है कितना से जाएगा, 7 से अगर आप करते हैं तो कमी होगा, 8 से करके देखते हैं, 8 से करेंगे हम लोग इधर मल्टीप्लाई करके क्या आता है, एट से इतना आ रहा है ना, और 9 से और देखते हैं, 9 से उम्मीद है कि आ जाएगा, तो वही 9 से हम करेंगे, 9 से आ जाएगा, 9.5 का 45 का 5 4 बचेगा, 9.6 का 54 और 4 58 का 8 5 बचेगा और 9 1 9 और 5 14 और इस तरह से बढ़ जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम है तो आप देखिए नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर
बराबर 29 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में आपको और क्वाड प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे। होमवर्क में आपको दे रहे हैं, होमवर्क में आपको होमवर्क टू डू एक्सरसाइज 3D वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाना है। आगे भी जो है जितना बताया गया है उसे कोशिश करना है, फिर आगे आपको बताया जाएगा। थैंक यू, ओके, हैव ए गुड डे।